नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोटके टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पे बताने जा रहा हूं, यदि आप किसी लड़की से मोहब्बत करते थे, यदि किसी लड़की से आप प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे उस लड़की से, कि यहां तक कि आप लोग दोनों में विवाह बंधन में बंधने का भी कसम खाए थे, जीने मरने का कसम खाए थे, अचानक से वो लड़की बदल गई, अचानक से लड़की आपको धोखा दे दी और दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत को बना स्थापित कर लिए, तो उस समय आप काफी परेशान हो गए। उस समय आप काफी परेशान हो जाते हैं, उस समय में आपकी दिमागी संतुलन खराब हो जाती है, आपको सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाती है और उसके प्यार के बगैर आप नहीं रह पाते हैं, उस लड़की को देखे बिना आप नहीं रह पाते हैं, उस लड़की से बात किए बिना आप नहीं रह पाते हैं। आपका मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सारे जगह से वो लड़की आपको ब्लॉक कर दी है, तो उस जगह पर आप क्या करिएगा? उसके बाद आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आज मैं ये वीडियो ऐसा बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो में ऐसा तकनीक बताने जा रहा हूं, ऐसा टोटके बताने जा रहा हूं, अगर इस टोटके को अगर आप कर लेते हैं तो धोखेबाज लड़की आपके कदमों में आकर के गिरेगी, आपके मोहब्बत के लिए वो तड़पेगी और आपके बिना वो नहीं रह पाएगी, और दूसरों को सबक सिखाने के लिए आपको जो है वो लड़की का प्यार को जो है फिर से दोबारा खींच करके आपके पास लाएगी। तो आखिर कौन सा टोटके को करना है, कौन सा ऐसी चमत्कारी उपाय करना है, मैं सारे कुछ आपको इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां चामुंडा जरूर लिखें, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, लड़का और लड़की के बीच में जो प्यार संबंध होता है, लड़की भी जो है प्यार करती है, लेकिन कभी कभी लड़की का दिमाग जो है बदल जाती है और दूसरे लड़का के चक्कर में फिर से वो फंस जाती है और वो आपका प्यार को छीन लेती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में कोई विकल्प नहीं बचता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप तंत्र मंत्र टोने टोटके पर विश्वास रखते हैं तो आज की यह टोटके आपके लिए खास है। इस टोटके को अपना करके देखे और वो लड़की एकदम बाप बोल करके आपके कदमों में आकर के गिरेगी और बिना आपसे बात किए बगैर नहीं रह पाएगी। तो इसको कैसे करना है, इसकी तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज जो क्रिया बताने जा रहा हूं, मात्र जो है एक हल्दी का से वशीकरण, एक गोटा हल्दी जिसको खड़ा हल्दी बोलते हैं, वो खड़ा हल्दी से वशीकरण करने का तरीका बताने जा रहा हूं आपको कैसे करना है। रविवार के दिन में आपको लेना होगा 7 गोटा हल्दी, खड़ा हल्दी जिसको बोलते हैं, किसी भी राशन की दुकान में आपको मिल जाएगी। 7 पीस खड़ा हल्दी आपको लेकर के आना है और 7 मीटर लाल रेशम का धागा, 7 मीटर लाल रेशम का धागा आप ले लीजिएगा और हल्दी में उसमें एक ठोकर के गांठ लगा दीजिएगा। हर हल्दी को जैसे माला बनाते हैं उसी तरह खड़ा हल्दी को थोड़ा दूर दूर में उसको लपेट करके गांठ मारते चला जाना है उस धागे में। उसके बाद उसको तकिया के नीचे रख करके आपको उस लड़की का नाम 7 बार लेकर के आपको सो जाना है। उसके बाद क्या करना है, सुबह सुबह नहा धो करके साफ पवित्र होकर के एक लोटा जल और 2 अगरबत्ती लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आपको चले जाना है किसी भी पीपल का पेड़ के पास, पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है और वहां पर 2 अगरबत्ती जला करके और उसमें 1 लोटा जल उसमें डाल दीजिएगा और अपना मकसद को बोल दीजिएगा, मैं उस स्त्री को, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं, मैं उसकी लकड़ी लड़की की
प्यार को दोबारा पाना चाहता हूं, आप इसमें हमारा मदद करें। ये शब्द को बोलते हुए वो सारे धागे और हल्दी का गांठ जो बांधे थे उसको पेड़ में लपेट करके उस लड़की के नाम लेकर के सात गांठे लगा करके छोड़ दीजिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, सीधे घर वापस आ जाइए। 24 घंटा होते होते वो लड़की जो है आपके मोहब्बत में तड़पने लगेगी और दोबारा जो लड़की आपसे आकर के माफी मांगेगी और आपके कदमों में गिरेगी। ये बहुत ही सफल और बहुत ही चमत्कारी टोटके है, इसको आप प्रयोग अवश्य करके देखें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।